जयकारा सेरा वाले दो बोल सच्चे दरबार की जय। तो कैसे हैं दोस्तों? अभी हम हैं दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के पास में दोस्तों, और ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो कि जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस लगी हुई है दोस्तों, और इसी से हमारा सफ़र जो कि माता वैष्णो देवी 33 मिनट हो गई है, और ये जम्मू तवी अपने समय से यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है। अभी हम लोग जम्मू तवी में प्रस्थान कर चुके हैं दोस्तों, और देख सकते हैं अभी हमें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस अभी जस्ट आन के लगी हुई है दोस्तों। जयकारा सेरा वाले दो बोल सच्चे दरबार की जय। तो कैसे हैं दोस्तों? तो आप सभी को स्वागत है आज का एक और नए सफर में दोस्तों। तो चलो, बुलावा आया है और फाइनली माता रानी ने बुलाया है दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी हम हैं उपस्थित दोस्तों दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के पास में दोस्तों, और यहीं से हमारा सफ़र आज स्टार्ट हुआ जो कि माता रानी वैष्णो देवी दर्शन के लिए। देख सकते हैं आज का सफ़र जो है हमारा वो जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस में होने वाली है दोस्तों, अभी स्लीपर क्लास में होने वाली है। तो आप सब बने रहे दोस्तों, और पे हमारे पीछे जो कि जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस लगी हुई है दोस्तों, और इसी से हमारा सफ़र जो कि माता वैष्णो देवी के लिए हो रहा है दोस्तों। ट्रेन के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो इस ट्रेन का नाम है जम्मू तवी दुरंतो एक्सप्रेस दोस्तों, जिसका नंबर है 12265 दोस्तों, और एक करीब रात को 10:30 में यहाँ से डिपार्चर करती है दोस्तों, जो लुधियाना होते हुए और सुबह मॉर्निंग में करीब 7:30 के आसपास में यह जम्मू तवी अराइवल करती है दोस्तों। तो इसी के साथ में इसमें टोटल भोगी की बात करिए दोस्तों, तो 23 भोगी हैं इसमें, और आगे लोको पैलेट लगा हुआ है दोस्तों। तो बाकी चलिए आप सभी जो भी चलते हैं, स्लीपर क्लास है हमारा दोस्तों, फर्स्ट टाइम स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं इनसाइड में। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या आगे वाला है S4, अभी हम अपना S4 जो कोच है उसके पास आ चुके हैं, S4 कोच। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं क्या है यहाँ का दृश्य। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है देखने में, सीट कंफर्म कीजिए कितना नंबर है सर। हम लोग तो अभी अपना अपना सीट पे सेट हो गए हैं दोस्तों, लेकिन अंदर का युग कहानी है कि हम लोग तीन बंदे हैं और तीनों का सीट अलग अलग दिया है दोस्तों, क्योंकि हमारा S4 में हमारा 4 नंबर और 38 नंबर कर दिया है, और एक बंदा का S6 दे दिया है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों 10:33 हो गई है, और ये जम्मू तवी अपनी राइट समय राइट डिपार्चर हो चुकी है दोस्तों सराय रोहिला से, और देख सकते हैं आप एकदम करेक्ट टाइम है दोस्तों, एकदम करेक्ट टाइम पे खुली है। बाकी मैं दुरंतो दोस्तों आराम से भैया। तो बाकी मैं करेक्ट टाइम पे खुल चुकी है दोस्तों, और देख सकते हैं तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से हमारी ट्रेन 10:31 से दिल्ली सराय रोहिला से खुल चुकी है दोस्तों, डिपार्चर हो चुकी है, और ये सिर्फ एक अगला स्टॉप है जिसका बिल्कुल जाना पड़ता है, उसके बाद ये डायरेक्ट जम्मू तवी में प्रस्थान करेगी दोस्तों। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, लुधियाना करीब 2:40 के आसपास में इसका स्टॉपेज है दोस्तों, उसके बाद डायरेक्ट जम्मू तवी। तो चलिए आप सब हमारे साथ बने रहें दोस्तों, और बाकी मैं वीडियो हमारा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सब। दोस्तों जैसे कि जानते हैं अभी हम स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, और स्लीपर क्लास में सबसे बड़ा आप सभी का डाउट हो जाता है कि यहाँ का स्लीपर का जो बाथरूम है वो बहुत गंदा रहता है, ये वो।
तो चलिए हम भी थोड़ा सा बाथरूम में जाएंगे दोस्तों और वहाँ देखेंगे यहाँ की क्या स्थिति है, ये दुरंतो ट्रेन की क्या स्थिति है और बाकी आप सभी को अपडेट देते हैं दोस्तों, आप तो बने रहें। चलिए दोस्तों आप सभी को थोड़ा बाथरूम ले चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। उससे पहले देखिए नल है दोस्तों और देखते हैं अंदर में क्या है। सुथरा ही है, एक डस्टबिन के लिए भी यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों और ज़्यादा गंदा तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि ये दुरंतो एक्सप्रेस है तो थोड़ी सी इसकी साफ सुथरा और वो ट्रेनों के बेहतर थोड़ी अच्छी है दोस्तों। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी पर है और फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विजयपुर जम्मू में दोस्तों। और यहाँ से हमारा बहुत दुख की बात यह है कि हमारा नेटवर्क ही गायब हो गया, जिस वजह से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि अभी कितना टाइम लगेगा। और हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बैक कैमरा से देखिए तो देख सकते हैं दोस्तों सुबह का सनशाइन के साथ में। अभी हम विजयनगरम के पास में हमारा स्टॉपेज हुआ है और ये रहा सुबह का कुछ ऐसा दृश्य है दोस्तों। वाकई में ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो आप सब बने रहें, आप सबका आगे अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। दोस्तों तो फाइनली अभी हम लोग जम्मू तवी में प्रस्थान कर चुके हैं दोस्तों और टाइम के निर्धारित समय से ट्रेन हमारी एक घंटे लेट थी दोस्तों और हम आ चुके हैं जम्मू तवी दोस्तों। और यहां से चलेंगे हम अभी कटरा के लिए जो कि यहां से भी ट्रेन है और कोशिश करते हैं दोस्तों ट्रेन पकड़ाने की, अगर पकड़ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बस से आगे का सफ़र करते हैं दोस्तों। तो आप सब बने रहे हमारे तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे और सुबह के करीब यहाँ टाइम हो रही है दोस्तों 8:30 हो रही है और यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है देख सकते हैं। अभी हमारी तुरंत जम्मू दुरंतो एक्सप्रेस अभी जस्ट आन के लगी हुई है दोस्तों और देख सकते हैं यहाँ का दृश्य देखिए आप। वाकई में दोस्तों काफ़ी लाजवाब है और तो आप सब बने रहे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के आउटसाइड में दोस्तों और देख सकते हैं यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक मिस्टेक हुआ कि हम लोग का ट्रेन थोड़ी 1 घंटा लेट थी, जिस वजह से हमारा जो यहाँ से जो माता वैष्णो देवी का जो ट्रेन था वो कोई लोकल ट्रेन थी वो छूट गई है दोस्तों। और अभी हम लोग आ गए हैं इधर, अगर आप अभी आ रहे हैं और जम्मू तवी में आपको आने में रात हो जाती है तो आप इधर स्टे भी कर सकते हैं दोस्तों, हर चीज़ का फैसिलिटी है यहाँ पे। और देख सकते हैं हमारे पीछे ये रहा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का बोर्ड दोस्तों और यहाँ पे CRPF की काफ़ी ऐसी तैनाती है दोस्तों। जैसे कि आप सबको मालूम है जम्मू हमेशा विवादों में रहा है, इस वजह से आप हर जगह पर CRPF और CRPF का कैंट देख सकते हैं दोस्तों। और इससे पहले देखिए डोमेट्री भी इधर है, अगर आप आना चाहते हैं रात में स्टे करना चाहते हैं तो आप आराम से इधर कर सकते हैं दोस्तों। बाकी चलिए आगे देखते हैं, अभी जो भी नज़ारा होगा हम आप सभी को दिखाएंगे दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, तो जैसे ही हम लोगों ने पठानकोट को पार किया दोस्तों वैसे ही हमारी जो सिम का नेटवर्क है वो चली गई और हमारा सिम बंद हो गया दोस्तों। तो जैसे ही हम लोग जम्मू उतरे, जम्मू उतरने के बाद में स्टेशन के बाहर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सिम प्रीपेड वाले भैया मिले हैं जो कि सिम का दाम करीब 50 रुपये बोल रहे हैं और उसमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा 249 रुपये, उसके बाद हमारी सिम 1 GB डाटा देगी दोस्तों। तो देख सकते हैं बाकी हमारे दोस्त लोग ले रहे हैं। तो चलिए ये सुविधा बहुत प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होती है, इस वजह से एक सिम तो चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग भी सोचा चलो एक सिम ले लेते हैं। तो आप सब बनी तो दोस्तों माता रानी के दर्शन के लिए हमारे आने वाले ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखें दोस्तों और अगर चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।